या फिर मौत का सौदागर, पढ़ाई डॉक्टर की, काम मौत बांटना, पैसे लेकर गर्भपात करती है डॉक्टर। निजी अस्पताल पर सीएमएन न्यूज का सनसनीखेज खुलासा। जी हां, निजी अस्पताल पर सीएमएन न्यूज का सनसनीखेज खुलासा। नमस्कार, मैं हूं कनिका आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मौत बांटना। आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे डॉक्टरों की काली करतूतों की और आपको बताएंगे कि कैसे डॉक्टर पैसों की आड़ में मौत बांटने का काम करते हैं। सीएमएन की टीम ने यूपी के सहारनपुर जिले के गंगोह कस्बे में एक निजी अस्पताल का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें डॉक्टर साहिबा साफ साफ कहती दिखाई दे रही हैं कि वो इतने पैसे लेकर गर्भपात करेंगी। डॉक्टर साहिबा के इस बात के बाद सवाल ये उठता है कि डॉक्टर साहिबा ने पढ़ाई तो जिंदगी बचाने की है, लेकिन वो काम मौत बांटने का करती हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुझे मत मारो मम्मी, मुझे मत मारो पापा, मेरी क्या गलती है मम्मी पापा, मम्मी पापा मुझे जन्म लेने दो। ये लाइनें जो आपने अभी सुनी है, ये लाइनें कोख में पल रहे उस बच्चे की है जिसने जहां में अभी कदम भी नहीं रखा है। लेकिन कोख में पल रहे बच्चों की मासूमियत से किसी को क्या लेना, खासकर उस डॉक्टर को जिसे लोग भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। वही डॉक्टर जिसके पास मरीज स्ट्रेचर या फिर व्हील चेयर पर आता है और उसके पास से ठीक होकर खुद के पैरों पर खड़ा होकर जाता है। लेकिन यूपी के सहारनपुर के गंगोह कस्बे में डॉक्टरों के कारनामे कुछ अलग ही हैं। यहाँ डॉक्टर लोगों को जिंदगी देने का काम कम, मौत देने का काम ज्यादा करते हैं। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ स्थित जगन्नाथ अस्पताल की महिला डॉक्टर पैसे लेकर कुछ भी कर देती है, यहाँ तक कि 5 महीने का गर्भपात भी। महिला डॉक्टर पैसों की चकाचौंध के आगे कोख में पल रहे उस बच्चे को नहीं देखती जिसने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा। अब उसे तो पैसे चाहिए, उसे जो मन चाहे वो करवा लो। यहाँ तैनात एक महिला डॉक्टर कोख में पल रहे 5 महीने के बच्चे का गर्भपात करने को तैयार है, वो भी महज 14,000 रुपयों के लिए। अगर महिला डॉक्टर की माने तो उसके अनुसार उसने पहले भी 12,000 में गर्भपात कराया है। आइए अब आपको भी सुनवा देते हैं महिला डॉक्टर और गर्भपात कराने वाली महिला के बीच आखिर कैसे और क्या बात हो रही है। 5 महीना लग रहा, 5वां, मगर मैंने सारी बात कर ली है मैडम से, तो करके कुछ कम करवा लेती हूँ आपसे। मेरी मम्मी मेरे साथ आएगी, आप अपने हिसाब से कर। चलो तो मैं देख लूँगी जैसा भी होगा। अब फिर आप क्या बोलोगे मम्मी को, कितने बताए? नहीं, मैं तो मैंने तुमने 15 बताए थे, अब देख के जो भी 1,500-1,600 रुपये जो कम होंगे कम कर दूँगी। और क्या? नहीं, मैंने उसको ही कहा था, मैंने मैडम को कहा कि 15,000, मतलब मैडम ने मेरे को 15 बताया भाई, 5 महीना होने वाला है। तो मैडम, अब देखो बहन तो मेरी है तो पैसे तो मम्मी देगी, जब सिर पर चढ़ाएगी तो देगी। घर रख रखा है मेरे मैडम। क्यों? बस वो 2 महीना था तभी आ गई थी। क्यों रखा? वैसे ही जीजा के साथ थोड़ी बनती नहीं ना उसकी। अच्छा, तो मम्मी कह रही थी 15,000 तो लगेंगे इतने, तो वो काम 12 में करा था पहले मैंने। 12-10 लगे थे। 12 लगे थे, 12 लगे थे मुझे याद है ना, मैंने तो भेजा था लड़के को साथ गाड़ी में लेके भेजा था, तुझे मुझे याद है। अच्छा मैडम, ऐसे ना मैं केस 2-4 हो गया है करूँगी, पर मैं ना मेरे को ओपन मत करना। ओपन मतलब मेरे को पता नहीं चले किसी को भी कि मैं आपके पास केस लेके आया हूँ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं पता चले। बहन वाले में तो पता चल होगा, बहन वाले तो मम्मी है मेरी, तो मम्मी तो बहन और मम्मी तो मैं तो साथ में ही आऊँगी। मम्मी ने कहा तो साथ में चलेगी मेरे, यही कहा मम्मी ने भी, क्योंकि तो साथ में ही चलेगी। चल उनके साथ तो आ जाना। मैं तो कहूँ तो मैंने 15 हद मार, कितनी भी कोशिश करें तो कितना कर दोगे? ज़्यादा 1,000 रुपये।
बस चौदह में बोले नहीं पाँच भी ना पूरा होने वाला है ठीक है क्योंकि कई बार ना हमें भी हम यदि फंस जाते हैं तो कई बार बड़ा दिक्कत का काम होता है तभी तो कह रही कि बिना देखे तो मैंने बताया अभी तो बिना देखे जो आगे क्या काम करूँगी मैं क्या नहीं करूँगी आगे की अच्छा विश्वास होता है बंदा वहीं आता है क्योंकि पहले तो मैंने करवाया ही था हाँ। हो सकता है मैं खुद भी करूँगा थैंक यू मुझे दवाई मिले तो मैं यहाँ पे करूँगी ठीक ठीक है ना आप टेंशन मत लेना मैं साथ आऊँ कोई ऐसा कुछ इसलिए मैंने फोन पे भी बात नहीं करी इसलिए मैंने तुम्हें फोन नंबर दूसरा दिया कि फोन पे बात नहीं करी पता क्या इसलिए नहीं की कि भाई फोन भी मानते हैं होना ही नहीं चाहिए फोन पे तो ना इसलिए मैं मार्केट से जाके बात करके फिर वापस आके मैंने कहा मैडम से बात करूँ बात तो मैं यहाँ भी बैठ के कर सकती थी पर सारे बैठे थे फोन पे तो वहाँ पेड़ के नीचे स्टिंग ऑपरेशन के बाद हमारी टीम ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ओएसडी से फोन पर बातचीत की स्वास्थ्य मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया वहीं सीएमएन की टीम ने सहारनपुर सीएमओ से बात की तो सीएमओ ने दो डॉक्टरों की टीम को गंगोह जांच के लिए भेजा वहीं जांच अधिकारी ने कहा कि एक वीडियो के आधार पर वो कार्यवाही नहीं कर सकते लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब और कैसे स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा या फिर कार्रवाई ना करके मौत के सौदागर बने निजी अस्पताल ऐसे ही मासूमों को कोख में मारते रहेंगे सवाल तो यहाँ काफी है लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि इन सब सवालों का आखिर जवाब कौन देगा उस ऑपरेशन में डॉक्टर साहब को जानकारी थी कि आप जो 5 महीने के गर्भपात की बात कर रही हैं और जो पिछले साल आपने किया था जो पिछले साल मैंने रिस्टेंट चेक बुलाई थी वहाँ से उस पिछले साल में क्या बोला गया था मुझे जरा ये बताइए क्योंकि इस वो तो दिख रहा है मुझे 1914 या 16 फाइनल हुआ था आपका क्योंकि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते और ना ही ये चीज़ बिल्कुल है ये बिल्कुल साफ नहीं करते हैं इनकी मौजूदगी में टोटली ऑपरेशन हुआ है अफसोस की बात है देखिए अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद आप लोग ऐसे पूरा धंधे को अंजाम दे रहे हो और अपने 12 महीने पहले भी टीम आई थी लेकिन सुधारने का मुझे पता लगा आप सभी डॉक्टरों की यहाँ मीटिंग हुई और मीटिंग होने का फोन आते हैं आप भी आपने बहुत कि भाई ऐसा काम नहीं करो बिल्कुल भी सभी के नाम शामिल है पिछले साल की मीटिंग की मुझे लगा कहीं ना कहीं लोगों के हालात सही हो चुके हैं डॉक्टर अगर आपस में इतनी अच्छी मीटिंग में रहते हैं तो शायद इस चीज़ पर ध्यान दें एक साल बाद जैसे ही फिर सर्वे हुआ उसमें आप लोग फिर शामिल हो गए ये क्या होता है आपकी नॉलेज में नहीं है
जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है वो कोई मैं नहीं आता, वो भी नहीं कर रहा कोई नहीं कर रहा रजिस्टर्ड कोई नहीं करता। मुझे पता है ना, मैं मैं नीमा का सेक्रेटरी हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर कोई अथॉराइज डॉक्टर नहीं कर रहा, अनऑथराइज कर रहा हूँ उसकी भी जानकारी में। वर्तमान हॉस्पिटल डॉक्टर सुनीता अग्रवाल रजिस्टर्ड हैं, पीएमएस हैं, डॉक्टर निर्मल जैन, डॉक्टर बिना सैनी, इनकी मैं गारंटी लेता हूँ, बाकी मुझे गारंटी नहीं है। जो जो क्वालिफाइड हैं, जो पीएमएस हैं डॉक्टर, वो कोई नहीं कर रहा है, अनक्वालिफाइड कर रहे हैं उनका मुझे कुछ नहीं। हमारा कोई ऑपरेशन नहीं होता। अब फिर आपकी वाइफ ये बीमारी है कि क्या नाम है, आप अपना पेशेंट लेके आओ, कोई बात नहीं, तो हजार रुपये आपसे मिलेंगे। हमारी आपसे शादी दुश्मनी नहीं है। नहीं 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 होता नहीं, आप मुझे जानते हो शायद। नहीं मैं नहीं जानता, ना मैं जानता, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, डीएम डॉक्टर हैं, उनमें कोई नहीं करता। एक सेकेंड डियर, आप हमें लेके आए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये इंटरव्यू आपको बाद में करना चाहिए। नहीं नहीं वो बात हुई नहीं, मुझे मजबूरी नहीं थी, यहाँ पे कोई जगह ऐसी है ही नहीं, यहाँ पे आपको बता दें कि एक तरफ तो स्वास्थ्य विभाग भ्रूण हत्या को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के ये सभी दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। अब सवाल ही उठता है कि आखिर कब और कैसे स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा, या फिर कार्रवाई ना करके मौत के सौदागर बने निजी अस्पताल ऐसे ही मासूमों को कोख में मारते रहेंगे। तो फिलहाल आज की खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।